लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमर कस ली है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है, और यह स्लोगन विधानसभा चुनाव में भी चला है और इस बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रथों को रवाना किया है, जिसमें भाजपा सुझाव भी लगातार मांग रही है। सुझाव पेटी भी रथों पर रखी गई है। उन्होंने कहा कि सभी 29 लोकसभा में वीडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा और जनता के सुझाव इस माध्यम से लिए जाएंगे। सुनिए इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। पिछले विधानसभा के समय से जो हमारा स्लोगन था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने आप सबके सहयोग से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के मदद के साथ प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार विधानसभा में बनाई थी। और हमारा यहाँ तो रिकॉर्ड है कि जब जब उज्जैन में सिंहस्थ होता है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनती है और देश में भी हमारी सरकार बनती है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने जब हम जा रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर सभी मतदाताओं से, आम नागरिकों से विकास के मामले में जो सुझाव उनको आगामी भावी सरकार के लिए हो, उस सुझाव के संग्रहण करने के लिए हमने सुझाव पेटिका लेकर विभिन्न रथ का रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 29 ही लोकसभा में हमारे ये सुझाव पेटिका लेके वीडियो के माध्यम से जागृति रथ निकलेंगे, जिनमें अपने सरकार की योजनाओं के साथ साथ पिछली सरकार की उपलब्धियां भी हम बताएंगे और भविष्य में विकास का कौन सा संकल्प लेना उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सुमनानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा जी, चुनाव संयोजक हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व सांसद आलोक संजर जी, सारे नेताओं के साथ आज इस रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर हरी झंडी दिखाने उपस्थित था। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बधाई।